नमस्कार, मेरा नाम सुजल देवेंद्र भाई चावाला है। मैं जीवन ज्योत ट्रस्ट संचालित जेजेड सा एंड एचपी डेसे कॉमर्स कॉलेज में मैंने बीकॉम पास आउट किया है लास्ट ईयर 23 या 24 में। और उसके दौरान हमारे कैंपस में जब SSIP करके एक वर्कशॉप आया था, इनोविजन प्रोग्राम आया था, उसके दौरान मैंने सेकेंड ईयर में उसमें पार्टिसिपेट किया था। और उस पार्टिसिपेंट के दौरान हमारे मेंटर मैम थे श्वेता मैम और निधि मैम, और उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्कशॉप किया था। हमने इवन यूनिवर्सिटी में भी वर्कशॉप किया है वहाँ पे। और जब मेरा बीकॉम खत्म हुआ, बीकॉम मैंने पास किया, उसके बाद जब मैंने मेरे मैम से गाइडलाइंस लिया कि मैडम अगर मेरे को इस लाइन में इसके अंदर मेरे को अभी अपनी स्किल ज़्यादा डेवलप करनी है, इसके अंदर मेरे को अभी और जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तभी श्वेता मैम और निधि मैम दोनों ने मुझे गाइडेंस किया कि आप जाओ स्कूल में, हमारे पास आया है तो हम आपको स्कूल में वहाँ पे एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर तरीके हम आपको वहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने 3 मंथ्स के लिए वो कोर्स ज्वाइन किया था, जहाँ पे मैं स्टूडेंट को यही जो हमने यहाँ पे सीखा था इनोविजन में, वो मैं उनको पढ़ाता था। और उसके साथ साथ मैंने यूथ फेस्टिवल जो यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है, जो सारी कॉलेज उसमें पार्टिसिपेट करती है, तो उसके दौरान हमने ड्रामा एक वन एक प्ले है, उसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया था। और उसमें हमारा फर्स्ट रैंक आया था, जो हमारा ड्रामा था समवेयर इन इंडिया करके ड्रामा था, हमारे ड्रामा का नाम था, और उसमें हमने फर्स्ट रैंक आया था। तो यूनिवर्सिटी ने हमें इंटर यूनिवर्सिटी ड्रामा कॉम्पिटिशन के लिए भी सिलेक्ट किया था, और हमको वहाँ मेहसाणा करके गणपत यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हमको कॉम्पिटिशन खेलने को भेजा था, और वहाँ हम रनर्स अप रहे थे। और उसके बाद मैंने ड्रामा में भी अंदर पार्टिसिपेट अपना इंटरेस्ट जगाया है, और मैंने उसके अंदर भी अभी मेरा ग्रुप है अतरंगी आर्ट्स करके, मैं उनके साथ भी ड्रामा करता हूँ। जैसे कि सूरत म्यूनसिपालिटी कॉम्पिटिशन आती है तो हम उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें भी रैंक लाते हैं। और ये एक उद्देश्य है सबके लिए कि सोसाइटी को जागरूक करने के लिए कि कैसे किया जा सकता है, या सबकी अवेयरनेस दूर करने के लिए हम ये करते हैं। और इन सब के लिए मैं अपनी कॉलेज जेजेड सा एंड एचपी देसाई कॉलेज का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपना परफॉर्मेंस कर सकूं। थैंक यू।